और जहाँ तक मैकडोनल्ड्स का सवाल है तो यकीन माने इनसे मैंने पूछा है कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड खाया उससे पहले इन्होंने कभी मैकडोनल्ड को खाया इनको शायद नाम भी ना आता हो मैकडोनल्ड्स का, तो अब इनको मैकडोनल्ड्स का जो है कोई ऐसा बर्गर नहीं होगा जो इन्होंने ना खाया हो। तो मुझे हो गई फिर इसका मतलब खाना पीना तो सही में रहा ना आपको। देख ले मीठी मीठी बेइज्जती भी कर रहे हैं साथ। जो रियलिटी है, रियलिटी में वही बता रहा हूँ, आप खुद बता दें। अभी भी आप चले मुझे कोई इसे मैकडोनल्ड्स के 5 बर्गर के नाम बता दें। अगर आपने मैकडोनल्ड्स के 5 बर्गर का नाम बता दिया तो आज फिर आपका मैकडोनल्ड का बर्गर। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रात मैं हूँ रहमान मोहम्मद न्यूज़ ऑन के साथ, और एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नीडो वाली है, ये मैकडोनल्ड्स वाले, और इनका प्यार जो है वो कैसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था कि ये जो है इनके पास कुछ दूध वगैरह लेने गए थे, नीडो वगैरह लेने गए थे, क्योंकि ये नेस्ले की कंपनी में काम करती है, और ये जो है इन्होंने मैकडोनल्ड्स से बर्गर ऑर्डर किया था, और ये जो है ये बर्गर लेकर इनके पास आए थे। तो इनकी दो मुलाकातों में इन्हें जो है वो एक दूसरे से प्यार हो गया। इतनी जल्दी इतना यूनिक सा प्यार कैसे हो गया ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये इतने मजे का प्यार कैसे हुआ था, मतलब अचानक से ही हो गया, आंखें मिली, बर्गर खाया या दूध लिया तो प्यार हो गया? ऐसा है कि मैं इनके पास दूध लेने गया नीडो का, तो ये मुझे अच्छी लगी, फिर एक दफ़ा ऑर्डर आया मैकडोनल्ड्स में, तो जब मैं ऑर्डर देने गया तो बाई चांस वो ऑर्डर इन्हीं का था, तो वो इनको मैंने ऑर्डर दिया। तो आप इतने बड़े थे तो आपने नीडो क्या करना था? मैं अपने भतीजे के लिए परचेजिंग करने गया था अपने भतीजे के लिए, तो घर की ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करने जाते हैं, तो भाभी ने कहा यार नीडो भी लेते आना, पैम्पर्स लेते आना, काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं बहाने से इन्होंने मुझे इंटरसेप्ट किया, मैं गुजर रहा था, तो एक्सक्यूज मी इस्लाम अपने ब्रांड के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि नीडो के ये वन प्लस, मैंने कहा ठीक है जी आपका जो है मैं परचेज़ कर लेता हूँ, परचेज़ किया। फिर देन आफ्टर 1 या 2 वीक्स बाद ऑर्डर आया मैकडोनल्ड्स का, जब मैं डिलीवर करने गया तो यही थी बाई चांस मेरे सामने। तो आपको 2 महीने से ये याद थी कि ये वही वो नीडो वाली है जिनके पास मैं दूध लेने गया था? एक्चुअली स्टोर तो वही था ना, मॉल में मैं जॉब कर रही थी पैकेजेस, तो जब ये आए हैं तो इनको शायद ये मुझे कह रहे हैं, मुझे लग रहा था कि तुम वहाँ होगी, ठीक है जब मैं तो मैंने जब बर्गर लिया तो मैं हैरान हो गई इनको देख के, मैंने कहा शायद अल्लाह भी यही चाहता है कि हम मिल जाएं। अच्छा तो आपने देखा बर्गर के साथ एक नया बर्गर आपको मुफ्त मिल गया? जी ऐसे ही है बिल्कुल। आपके घर में ज़्यादा रोप किसका है, आपका या आपका? ऑफकोर्स मेरा, नीडो वालों का ज़्यादा रोप है। नेस्ले जो है वो ज़्यादा आगे जा रही है, मैकडोनल्ड पीछे है, ऐसी बात है, जाहिर सी बात है। अच्छा मुझे बताइएगा फिर क्या रूटीन होती है आपकी, कि कैसे जो है वो मैनेज करती है, क्या ड्यूटी टाइमिंग क्या है आपकी? एक्चुअली मेरी तो परमानेंट जॉब है, इनकी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नेस्ले के साथ, कोलगेट के साथ, जैसे इनकी 1-2 माह की जॉब होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ ड्यूटी है 1 मंथ ऑफ है इनका, तो ये तो रिलैक्स चिल भी मार लेते हैं, मेरा कोई चिल वाला सीन नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ 12 बजे, शाम को 8 बजे आता हूँ, आकर घर के बर्तन पड़े होते हैं, बर्तन भी मैंने धोने होते हैं, आते हुए खाना भी लाता हूँ, सुबह जब उठता हूँ जाने से पहले तब भी इनके जो है सम टाइम्स इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से पराठे भी ला कर देने हैं, सालन भी बाहर से ला कर देने हैं, तो ये तो मज़े में है, चिल में है, इनको कोई तकलीफ नहीं आने देता, मैं घर के जो काम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सारी मैंने ही। ऐसी ये नस्लें? हाँ जी बिल्कुल, ये लव मैरिज के साइड इफेक्ट। नहीं तो इतनी बुरी सजा मैकडोनल्ड वालों को देनी है कि सारे काम इन्हीं से करवाने हैं आपने? प्यार से खुद करते हैं, मैं तो कहती भी नहीं हूँ। नहीं तो फिर कोई मार मुर पड़ती है नीडो से? नहीं मार मुर तो नहीं पड़ती, हाँ हाथापाई हो जाती है कभी कभी, लेकिन मार मुर नहीं पड़ती, ऐसा सीन नहीं है। हाँ छुट्टी होती है मेरी, एक दिन छुट्टी वाले दिन भी घर जो है खाना मैंने ही बनाना है इनको, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, एवरीथिंग जो है वो मैंने ही करना होता सारा। मुझे पता है मैकडोनल्ड कितनी दफ़ा खाने को मिलता है आपको? जिस दिन इनकी छुट्टी है ना उस दिन तो मस्ट है जी बिल्कुल। और बच्चों के लिए नीडो ही पीते हैं बच्चे? नहीं नीडो बच्चों को छुड़वा दिए, नीडो बच्चे जो है माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो नीडो से तो मैं वैसे ही बड़ा तंग आ गया हूँ। और जहाँ तक मैकडोनल्ड्स का सवाल है तो यकीन माने इनसे मैंने पूछा है कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड खाया उससे पहले इन्होंने कभी मैकडोनल्ड को खाया इनको शायद नाम भी ना आता हो मैकडोनल्ड्स का, तो अब इनको मैकडोनल्ड्स का जो है कोई ऐसा बर्गर नहीं होगा जो इन्होंने ना खाया हो। तो मुझे हो गई फिर इसका मतलब खाना पीना तो सही में रहा ना आपको। देख ले मीठी मीठी बेइज्जती भी कर रहे हैं साथ। जो रियलिटी है, रियलिटी में वही बता रहा हूँ, आप खुद बता दें। अभी भी आप चले मुझे कोई इसे मैकडोनल्ड्स के 5 बर्गर के नाम बता दें। अगर आपने मैकडोनल्ड्स के 5 बर्गर का नाम बता दिया तो आज फिर आपका मैकडोनल्ड का बर्गर। वो तो मुझे वैसे भी मिल ही जाएगा, खैर मैं आपको बता देती हूँ, फिले फिश, बिग मैक, मैक क्रिस्पी, च,
चिकन मैक हॉट एंड क्रिस्पी। क्या बात है, भी बिफोर वन मंथ न्यू लॉन्च हुआ है, रो में इनको 4 से 5 बार खिला दिया और अभी मेरे को देखना याद है, जीत गई है भाई। ये बताया कि आप तो इतने फायदे ले रही हैं उनकी कंपनी से, तो उन्हें क्या फायदे दे रही हैं नेस्ले के? मैं मिल गई काफी नहीं नेस्ले वाले आगे चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आपने शादी के लिए घर वालों को बताया होगा कि भाई मुझे नीडो की लड़की पसंद है, या आपने कहा होना मैंने मैकडोनल्ड करा, तो उन्होंने कहा ये क्या, मतलब उन्हें समझ आ गई थी ये बात? नहीं, उनको समझ नहीं है। 6 मंथ तक तो हमारा यही जो है लव स्टोरी चलती रही है, 6 मंथ तक पूरी पूरी रात जो है सारी रात फ़ोन पर बातें करनी, सारी रात इन्होंने मुझे गाने सुनाने, सारा दिन मैंने जॉब भी करनी, मेरी आँखें नींद से रेड होनी, घर वाले कहना मसला क्या है, सारी रात तो सोता नहीं है फ़ोन पर बातें। घर वाले तो तकरीबन राज़ी नहीं थे क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 8 बहन भाई हैं, तो आपको पता है जैसा हमारा कल्चर है हमारी, वो कहते थे नहीं बाहर मार्केटिंग गर्ल्स सेल्स गर्ल्स, शादी नहीं, शादी बस ठीक है आपका अफेयर है बाहर तक ही रहो, शादी नहीं करनी। सुने वाली है बात, देख ले सच्चाई अपने मुंह से ही बता रही है। अच्छा आज आपने आज इन्हें बताया इनकी हंसी से लग रहा है आज पता चला नहीं मैं हंस रही हूँ, अपनी सच्चाई खुद ही बताई जा रही है। अच्छा मुझे बताया जब आपने अपने घर में बताया था तो फिर क्या, मतलब क्या रिएक्शन था उनका? पहले तो माने नहीं खैर, लेकिन मैंने बहुत जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो देख ले मैंने अपने घर वालों को मना लिया, इन्होंने अपने घर वालों को नहीं मनाया। मेरे भी तो मान ही गए ना बाद में, शादी के 1 साल बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मान गए, पहले नहीं माने ना। और कह रहे मैं इनके घर जो है ना फ्री डिलीवरी करता था मैकडोनल्ड्स की, इसलिए वो माने नहीं, मज़ा तो तब आता ना जब ये अपने घर वालों को भी मनाते जैसे मैंने अपने घर वालों को मनाया है। लड़ाई ना शुरू हो जाए। नहीं नहीं लड़ाई नहीं होती, वो बाद में चाहिए आपके जाने के बाद हो जाए। अच्छा जी ये तो पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा मासूम है, तो मुझे ना आपसे एक टिप चाहिए कि खामतों को जो है वो कैसे रखना चाहिए? मैं कहती हूँ थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए, ठीक है ताकि जो है ना ये इधर उधर ना देख सके, इनसे हम इनको ना हमसे ही ना फुर्सत मिले। अच्छा आप मुझे बताया कि जब शादी से पहले क्या लाइफ होती है और शादी के बाद जो है वो क्या लाइफ होती है? शादी से पहले बड़ी पुरसकून लाइफ होती है और शादी के बाद जो है भाई आपका सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पहले हम स्कूल से उठते थे, खाना बना बनाया आ जाता था, अम्मा जी माशाल्लाह जो है बिस्तर पर ला देती थी, उठो बेटा चाय, अब तो वो मैं कहता हूँ सुकून ख़त्म। अब तो जो है सुबह जल्दी भी उठना है और घर के जो है सारा राशन ग्रॉसरी सामान भी लेकर आना है, सुबह इनको नाश्ता भी बनाकर देना है। चलिए जी बड़ी यूनिक सी और बड़े मज़े की इनकी कहानी है ये, देखे जी ये नीडो से है, ये मैकडोनल्ड से है और दोनों डिफरेंट कंपनी से, और इन्हें प्यार मोहब्बत हो गई और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद भी इनकी बहुत हंसी मजाक वाली जो है वो ज़िंदगी चल रही है। ये पूरी फरमाबदारी के साथ अपने सारे काम करते हैं और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ इनसे पूरे काम करवाती है, कोई भी काम जो है वो छिड़वाती नहीं। अच्छा मुझे बताया कि लास्ट में जो है आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको जो पसंद है ना शादी कर लेनी चाहिए किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना? आप लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़कों को यही मैसेज दूंगा कि निकाह सुन्नत है, निकाह को प्रमोट करें, बाकी जो है शादी से पहले कमिटमेंट सारी कर लें कि जो है बर्तन भी वही धोएगी, घर के सारे काम भी वही करेगी, सारी जो है ना उससे कमिटमेंट कर लें कि भाई मैं ना मैं बर्तन धोऊंगा, ना मैं घर के कपड़े धोऊंगा, ना मैं खाना बनाऊंगा, सारी जो लड़कियों के काम है वो लड़की ही करेंगी, बस कमिटमेंट पहले कर लें। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो है वो यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, तो इनके चैनल का नाम जो है ये खुद ही बताएंगे, क्या नाम है आपके चैनल का? नीडो वाली मैकडोनल्ड्स वाला। चले जी नीडो वाली मैकडोनल्ड्स वाले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इनकी रूटीन जो है वो आप जान सकें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है, सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है, अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।